भारत की एक ऐसी अद्भुत पौराणिक किताब जिसे अगर सीधा पढ़ा जाए तो वो भगवान राम की कहानी बताती है और अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करती है। कौन सी है ये किताब, चलिए जानते हैं। दरअसल 17वीं शताब्दी में कांचीपुरम के व्यंकट ध्वरि द्वारा लिखा गया राघव यादवियम एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को राघव यादवियम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहां राघव का अर्थ रघुकुल में जन्मे भगवान श्री राम के महाकाव्य रामायण से है और यादव यदुकुल में जन्मे भगवान कृष्ण के महाकाव्य महाभारत को दर्शाता है। वैसे तो इस ग्रंथ में 30 श्लोक लिखे गए हैं लेकिन एक ही श्लोक को सीधा और उल्टा पढ़ने पर भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसी वजह से इसमें सीधे और उल्टे कुल मिलाकर 60 श्लोक हुए। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो पहले श्लोक को अगर सीधा पढ़ा जाए तो इसमें भगवान श्री राम के वनवास के बारे में बताया गया है और अगर इसी श्लोक को उल्टा पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों के साथ लीला का वर्णन किया गया है। गाइस, क्या इसके पहले तक इस ग्रंथ के बारे में आप जानते थे? और कमेंट में जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा हरे राम। आखिर प्रसाद के तौर पर पंचामृत और चरणामृत ही क्यों दिया जाता है? पंचामृत और चरणामृत में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र माना जाता है? चलिए जानते हैं। देखिए, पंचामृत दूध दही शक्कर शहद और घी इन 5 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पंचामृत पीने से शरीर मजबूत बनता है और कमजोरी दूर हो जाती है। इसी तरह चरणामृत को भी पवित्र माना जाता है। चरणामृत यानी कि विष्णु भगवान के पांव का पानी। इसे बनाने के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भगवान की मूर्ति के पैरों पर छोड़ा जाता है जिसके बाद निकला हुआ पानी प्रसाद के तौर पर पिया जाता है। चरणामृत से आत्मा शुद्ध हो जाती है और आपके मस्तिष्क को शांत रहने में मदद मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म में पंचामृत और चरणामृत को पवित्र मानकर प्रसाद के रूप में पिया जाता है। सो गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या शिवलिंग का मतलब किसी जननांग से है या फिर इसका मतलब कोई और है? देखिए, हिंदी भाषा में एक शब्द के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकलते हैं। जैसे कि सूत्र शब्द का मतलब धागा भी होता है और गणित का फॉर्मूला भी होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। जैसे हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार शिव यानी पदार्थ और शक्ति यानी कि ऊर्जा, इन दोनों का प्रतीक शिवलिंग कहलाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक शिवलिंग का ये अर्थ आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और साथ ही ये भी लिखेगा, हर हर शंभू। एक ऐसा रहस्यमय और चमत्कारी पानी का घड़ा जिसमें कितना भी पानी भर लो वो घड़ा कभी भरता ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें दूध भरा जाए तो वो घड़ा तुरंत भर जाता है। कहाँ है ये घड़ा, चलिए जानते हैं। राजस्थान के पाली जिले में मौजूद शीतला माता का एक मंदिर है जिसमें जमीन के अंदर एक ऐसा घड़ा है जिसमें आज तक 50 लाख लीटर पानी भरा जा चुका है, लेकिन वो घड़ा आज तक नहीं भर पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार शीतला माता ने बाबरा नाम के राक्षस का इसी जगह पर वध किया था, लेकिन इस युद्ध के दौरान उस राक्षस ने माता से ये वरदान मांगा था कि गर्मी में उसे प्यास ज्यादा लगती है, इसीलिए साल में 2 बार उसे पानी पिलाना होगा। तब से साल में 2 बार इस घड़े में राक्षस के लिए पानी भरा जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये सारा पानी जमीन के अंदर से कहीं बहकर निकल जाता होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जब इस चमत्कारी घड़े में दूध भरा जाता है तो वो तुरंत भर जाता है। ऐसी अनगिनत चमत्कारी चीजें हमारे भारत के कोने कोने में छिपी हुई हैं। आप इसके अलावा किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में।